हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले 4-5 सालों के ये पेपर हैं, कुछ प्री बोर्ड के पेपर हैं। इन सबको देखने के बाद एक अंदाजा लगा है कि कम से कम 5 से 6 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 कभी कभी 15 नंबर तक में ये टिप्पणी वाइज, रिएक्शन वाइज, डायरेक्ट वाइज आपसे पूछी जा रही है। तो ये 16 टॉपिक्स हैं सर, ठीक है। सारे के सारे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम आपको अभी समझाए दे रहे हैं। टेलीग्राम BDK 12th आप सर्च कर लेंगे, PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, एक बार केमिस्ट्री पूरी रिवाइज कर डाली और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं दोस्त, उसी ऑर्डर में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला है कैनिजारो अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा, बहुत कायदे से आपको समझाएंगे। क्लास थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन रिएक्शन भूलोगे नहीं दोस्त, इस बात की गारंटी है। चलिए सर, सबसे पहली है कैनिजारो अभिक्रिया। देखो भैया, इसे समझने से पहले आपको यह समझ लो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। देखो भाई, मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है HCHO, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि इसमें CHO है। जहां कहीं भी CHO होता है उसे कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप के कार्बन को हमेशा 0 नंबर देते हैं। ग्रुप के कार्बन को क्या नंबर देते हैं? 0, ठीक। उसके अलावा हम ऐसे लिखते हैं CH3CHO, तो CHO वाले के नंबर कितना देंगे? 0। इसके पड़ोस में एक और कार्बन है तो इसे दे देंगे अल्फा। अगर बाय चांस एक और कार्बन होता तो बीटा, एक और कार्बन होता तो गामा, एक और कार्बन होता तो डेल्टा, ऐसे करके चलता है सर, ठीक है। तो होता क्या, कैनिजारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड देता है, या ऐसे लोग जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, बहुत आसान है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कि सिर्फ एक ही कार्बन है 0 वाला, उसके पड़ोस में और कोई भी कार्बन नहीं होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं? कास्टिक क्षार से क्रिया करके अल्कोहल में बदल जाते हैं। बहुत आसान है। क्या किया हमने? फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु लिए? 2 अणु लिए, HCHO। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर रिएक्शन याद नहीं होती है, एक एक रिएक्शन 10-10 बार लिखो, ठीक है। पर पेपर अभी आपका परसों है, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो ठीक है, एक एक रिएक्शन 10-10 बार लिखो। अगर पेपर में बैलेंस ना कर पाना तो एक अलग कंडीशन है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि बैलेंस करके आओ। 10-10 बार लिखो भाई, प्लस का NaOH, NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा है, ठीक है। बनेगा क्या? बनेगा CH3OH, नाम है इसका मेथिल एल्कोहल। CH3 यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा और बचेगा HCOONa। Na माने सोडियम, HCOO माने फॉर्मेट, नाम होता सोडियम फॉर्मेट, ठीक है भाई। यह है मेथिल एल्कोहल। तो सरल भाषा में अगर कोई कह लो हटाओ, भूल जाओ, फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, बात खत्म हो गई। क्या होती है कैनिजारो अभिक्रिया बताइए? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, कास्टिक सोडा से क्रिया करके या कास्टिक क्षार से क्रिया करके क्या बना लेते हैं बताइए? एल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो पहली ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिप्पणी में 2 नंबर में आ सकती है या फिर अलग से भी पूछी जा सकती है, ठीक है भाई। दूसरी है एल्डोल संघनन, ये थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो होती है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कहलाती है एल्डोल। इसे आप ऐसे पढ़ो, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्ड प्लस ऑल, नाम हो जाएगा एल्डोल। तो इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों मिल जाएंगे। देखो कैसे मिलेंगे, इसमें हम ऐसा आदमी लेंगे जिसमें हाइड्रोजन होंगे, तो अब की हम कौन ले लेंगे? CH3CHO, ठीक, ये 0 हो गया, ये अल्फा हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन का, अरे यार जो अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। तो CH3CHO, एक और CH3CHO लिया, ले हम लिख के दिखा दे रहे, ये है CH3CHO, और अगर हम ऐसे लिखें CH3CHO तो ये 2 हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? CH3 नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 2 और एक H पड़ोस में लिख लेंगे, कोई दिक्कत। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जब हम इन्हें मिलाएंगे तो ये वाला H और ये वाला जो OH है इसे लगा देंगे इसके नीचे। ये देखो यहां पे CH3 ऐसे आ गया, CH ऐसे आ गया, ये जो OH था इसे नीचे लगा दिया, CH2 ऐसे आ गया और CHO ऐसे आ गया। अब यहां पर जो OH है ये एल्कोहल है, जो CHO है ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल नाम हो जाएगा एल्डोल। क्या नाम हो जाएगा?
एल्डोल। तो बिल्कुल आसान है, दो बार लिख लो इनका एच और इनका ओएच उठा के नीचे लगा दो, बाकी सिर्फ दोनों को जोड़ दो, कहलाएगी ये एल्डोल संघनन। संघनन मतलब क्या होता है? संघनन मतलब जुड़ना। कहते नहीं स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। जब छोटी छोटी, गाना सुना होगा छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, इसका मतलब छोटी छोटी रातों का संघनन हो जाता है। तो दो छोटे छोटे हमने मॉलिक्यूल उठाए, दोनों को मिला दिया, इनका एच इनका ओएच नीचे लिख दिया और एल्डोल बन गया। ठीक भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे सर आप इसे। उसके बाद तीसरा देखिए, क्रॉस एल्डोल संघनन। बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है भैया। देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, लो भाई क्रॉस एल्डोल में क्या लेंगे, एक तो हमने CH3CHO लिया ही था, बिल्कुल वैसे ही लेंगे। ठीक है भाई, दूसरे में हम क्या करेंगे, यहां देखिए दूसरे में हम लेंगे CH3COCH3। सर जी ये क्या आइटम है, लो भैया आइटम देखो, इसमें हमने एक एल्डिहाइड लिया है, उसमें दोनों सेम थे, जो एल्डोल था उसमें दोनों सेम थे, इसमें अलग अलग है, इसमें एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। ठीक है भाई, अब फिर बिल्कुल वैसे इनका ओ ले लो, इनका एच ले लो, ठीक है सर, ऐसे करके आपस में मिला देंगे, H2 वाला कर देंगे। देखो कैसे, इनका सर OH ले लो, इनका H2 ले लो, इनका देखो H2 वाला हो गया, बचे क्या CH3, ऐसे लिख दिया CH, ऐसे लिख दिया CH, ऐसे लिख दिया CO, ऐसे लिख दिया CH3, सब कुछ ऐसे लिख दिया, बस इनका अब की H2 ले लिया, इनका OH ले लिया। खाली एल्डोल था तो क्या करा था बताओ, इनका H लिया था, इनका OH लिया, नीचे OH लगा दिया था। लेकिन अब क्या ऐसा नहीं कर रहा, अब की क्या कर रहा है, इनका H2 और इनका OH2O अलग हो जाएगा। जब कोई चीज अलग होती है तो चाहो तो आप ऐसे करके प्लस में H2O लिख दो, चाहो नीचे डैश लगा के H2O लिख दो, दोनों एक ही बातें होती हैं। ठीक है भाई, तो इसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब क्या है, दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लो या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लो, तब हम लोग उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। कुछ लोग कहेंगे सर जी कीटोन क्या होता है, जब कभी भी बीच में CO चल रहा होता है तब हम लोग उसे कहते हैं कीटोन। ठीक है भाई, तो इसमें हमने एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया और करा दिया क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक भाई, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, बुड्स फिटिंग अभिक्रिया। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, जरा देखिए, कुछ नहीं है सर, बिल्कुल आसान है। आप ये याद करो रिएक्शन हो कैसे रही है, CH3 माने मेथिल, Cl माने क्लोराइड, एक है मेथिल क्लोराइड और एक है, एक कौन है, देखो यहां पर एक एल्किल है और एक एरिल है। एल्किल का मतलब क्या है, जो बिना रिंग वाले एलिफैटिक वाले हैं, और एक C6H5 वाला है सर। ठीक है, तो हमने एक CH3 वाला ले लिया, एक C6H5 वाला ले लिया, बीच में दो Na ले लिए। जब Na लिए तो इनका Cl इन्हें मिलेगा, तो 2NaCl अलग हो जाएगा और ये C6H5 और CH3 आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा बुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये जो बना है इसे कहते हैं टालुइन। क्या कहते हैं, टालुइन। तो बिल्कुल आसान है, बताओ एक एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर उपस्थिति में क्रिया करके टालुइन बनाता है, इस क्रिया को बुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म हो गई भाई, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप। उसके बाद बुड्स अभिक्रिया, इसमें दोनों एक ही जैसे होंगे, इसमें देखो ये भी CH3Cl है, ठीक है, और ये भी CH3Cl, देखो ये दोनों CH3Cl है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो एल्किल हैलाइड, उसमें क्या था, एक एल्किल और एक एरिल, यानी एक CH3 वाला और एक C6H5 वाला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, एक दोनों एल्किल है, तो CH3Cl दो ले लिए, इनका Cl इनका Cl इन्हें मिलकर 2NaCl बन जाएगा, दोनों CH3 अलग हो जाएंगे, नाम हो जाएगा इसका एथेन। ठीक है भाई, तो ये कहलाएगी बुड्स अभिक्रिया। आगे चलते हैं भैया, अगली है फिटिंग अभिक्रिया। इसमें दोनों एल्किल वाले ले लेंगे, लो सर जी जो रिंग समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सरल करके बता दो, लो यार लो, हमने लिख दिया C6H5Cl, ये तो समझ में आ रहा होगा, प्लस का 2Na लिख लिया, प्लस में C6H5Cl फिर से लिख लिया, यानी समझ लो आप, एक में हमने क्या करा, एक ये लिया है, एक CH3 वाला लिया है, एक में क्या किया, दोनों CH3 वाले लिए हैं, और फिटिंग में क्या किया, दोनों C6H5 वाले लिए, फिर भाई इनका Cl इन्हें, इनका Cl इन्हें मिल जाएगा, और ये क्या है C6H5, ऐसे लिख लो C6H5 प्लस का 2NaCl। सर जी ये रिंग क्या है, चाहो तो आप ऐसे रिंग बना लो और चाहो C6H5, जे कठिन लग रहा हो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सही है, रिंग ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है और बार बार ये पेपरों में आ रहे हैं, तो अगर ये आते हैं मान के चलो आपके 10 नंबर पक्के करा सकते हैं, और 10 नहीं अगर 6-7 भी पक्के हो जाते हैं तो सर क्या ही दिक्कत है। एक और है रिमल्टीमाइन, इसके द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अम्ल का निर्माण किया जाता है। ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है भैया और अम्ल क्या होता है, लो देखते हैं भाई, बिल्कुल आसान है। ये देखिए जहां पे OH लगा होता है, OH का मतलब होता है एल्कोहल, लेकिन जब OH किसी ग्रुप के संग में होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोक्सी, और CHO मतलब एल्डिहाइड, तो ये जो बना हुआ है ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है भाई, क्या किया हमने, क्या किया भैया, ऐसे करके रिंग ली, ठीक है,
लिंक का मतलब C6H5 है, जब उसके ऊपर OH लगा रखा, इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल नाम है। CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से इसकी क्रिया कराई NaOH की उपस्थिति में। ठीक है भाई, यहां से CHCl3 था, एक CH एक Cl कम करेंगे और यहां लाके जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे जरा समझो, क्योंकि जहां जहां भी रिंग होती है, ध्यान से समझिए, ये जो रिंग है इसमें हर जगह दिखता नहीं है लेकिन हर जगह एक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो यहां से कोई हटेगा तभी तो जाके जुड़ेंगे, तो इनका एक Cl यहां वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ के HCl बना लेगा और जो CHCl2 बचेगा वो यहां पे आके जुड़ जाएगा। CHCl2 H2O की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, OH जैसा था वैसा ही रहेगा, Cl2 हट जाएगा और Cl2 की जगह पे कौन आ जाएगा? O आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया CHO। इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बहुत आसान है, आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं, रिमल्टीमैन अभिक्रिया है। ठीक है भाई, अगली है विलियमसन संश्लेषण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्डर में हम लगाई उसी ऑर्डर में ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, सोडियम एथॉक्साइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, ये डाई एथिल ईथर बनाने की विधि भी है। सोडियम एथॉक्साइड मतलब सोडियम मतलब Na और एथॉक्साइड मतलब C2H5O, नाम है सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड कह लो या एथिल क्लोराइड कह लो से क्रिया कराने पर Na और Cl NaCl बन जाएगा और C2H5O जुड़ जाएगा, बन जाएगा ये ईथर। क्या बन जाएगा भाई? ईथर। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप देख सकते हो। अगला है इटार्ड अभिक्रिया, बहुत आसान है। इसमें क्या, बेंजीन रिंग से जुड़ी श्रृंखला का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण कैसे होगा? सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है भाई, ठीक है, ये है बेंजीन रिंग, इसमें जुड़ा हुआ CH3, ऑक्सीकरण कराओगे यहां से 2H हटा देंगे और उसकी जगह O लगा देंगे। जो देखो बस 2H हटाए क्योंकि एक H एक संयोजकता रखता है, तो 2H दो संयोजक, तो 2H हटेंगे और अकेला O इनकी जगह पे आके जुड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण और ये ऑक्सीकरण होगा CCl4 और Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। CCl4 को हम लोग कृत्रिम कपूर भी कहते हैं, ठीक है, CCl4 का नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। उसके बाद सैंडमायर अभिक्रिया, बहुत बढ़िया अभिक्रिया है, ये भी ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसमें जो N2 लगा हुआ है बीच में, ये डाई एजोनियम ग्रुप है। ठीक है भाई, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया हमने कराई, बनेगा C6H5Cl जिसे हम लोग क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। तो अगर पेपर में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि आ जाए तब भी आप यही लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम है क्यूपरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, N2 गैस निकल जाती है, इसे हम लोग कहते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है भाई, उसके बाद आती है रोजेन मुंड अभिक्रिया। रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अम्ल क्लोराइड हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है। बिल्कुल आसान है, देखो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, हाइड्रोजन यानी H2 से क्रिया कर लेता है, PD मतलब पैलेडियम, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और यहां से ये जुड़ जाएगा, HCl अलग हो जाएगा और H आके जुड़ जाएगा तो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। तो इसकी क्रिया H2 से कराने पर HCl अलग और O आके जुड़ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं रोजेन मुंड अभिक्रिया। ठीक है भाई, फिर ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। कार्बिल अमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी पूछा जाता है कि प्राथमिक एमिनो का परीक्षण की अभिक्रिया लिखिए सर, ठीक है, या आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, देखो ऐसे याद कर लो, क्लोरोफॉर्म की कार्बिल अमीन अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 की कार्बिल यानी KOH, एमीन यानी CH3NH2, जहां कहीं भी NH2 होता है उसे एमीन कहते हैं। तो ऐसे याद कर लो, क्लोरोफॉर्म की कार्बिल एमीन अभिक्रिया, रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CH3NC, इसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड, साथ में आता है KCl और संग में बचता है H2O। ठीक है, ये एक तीव्र गंध वाला यौगिक होता है, यानी अगर बहुत तेजी से गंध आने लगती तो समझ जाते हैं कि ये एमीन था जिसका हम लोग परीक्षण कर रहे थे सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ये पहले नहीं आती थी लेकिन पिछले 1-2 सालों से सेटों में दिख रही है, तो इसे आप देखें, ये थैलेमाइड है। कौन है ये? थैलेमाइड है, ठीक। एक्चुअल में गैब्रियल थैलेमाइड क्या होता है, ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जिनमें एमीन भी होता है, सरल भाषा में समझो कहीं आ जाए तो जिनमें NH2 और COOH दोनों ग्रुप होते हैं उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल बनाने के लिए हमें पहले एमीन बनाना पड़ता है, तो एमीन बनाने के लिए हम लोग इसे गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, या फिर एमिनो अम्ल बनाने के लिए कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये थैलेमाइड है, यहां पर रिंग के संग में CO ऊपर CO नीचे NH लगा हुआ है,
KOH से क्रिया कराएंगे। जब KOH से क्रिया कराएंगे यहां से H हटा देंगे क्योंकि HOH के संग H2O बना लेगा और K आके यहां पे जुड़ जाएगा। इसका नाम है, ये थैलीमाइड था, ये थैलीमाइड का पोटेशियम लवण हो गया। ठीक भाई, अब RH से क्रिया कराएंगे, K यहां से हटा देंगे क्योंकि KX के साथ में KX बना लेगा, अब K की जगह पे R आ जाएगा, तो इसे कहेंगे एल्किल थैलीमाइड। फिर इसकी NaOH से क्रिया कराएंगे, यहां से इस बॉन्ड को दोनों को तोड़ेंगे और दोनों की जगह पे लगाएंगे ONa और ONa, ये कहलाएगा थैलीमाइड का सोडियम लवण। ये बना पाना ना बना पाना, लेकिन साथ में जो बना हुआ 1 डिग्री एमीन, यही बनाने की ये रिएक्शन होती है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। ठीक है भाई, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगली रिएक्शन 1 डिग्री एमीन, ये इसलिए क्योंकि एक आर लगा हुआ, दो आर लगे होते तो 2 डिग्री, 3 लगे होते तो 3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद डाई एजोनीकरण अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली साल आई हुई है। जब एनिलीन की अभिक्रिया 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 + HCl के साथ कराई जाती है तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया डाई एजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है, अभी हमने आपको बताया था N2 का मतलब होता है डाई एजोनियम लवण, क्या करना है बताइए, C6H5NH2। ठीक, इसका नाम क्या है, एक तरीके से कह लो एमीन है, ठीक है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, एनिलीन कह सकते हो। NaNO2HCl की उपस्थिति में क्रिया कराई, यहां पर एक और N मिल गया तो C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर बनाने की विधि भी आ जाए तब भी यह ऐसे ही लिखा जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आखिरी है असममित ईथर, बल्कि एक इसके बाद और है। असममित ईथर क्या होता है, बहुत आसान होता है, जिसमें दोनों तरफ अलग अलग लगे हों, ध्यान से पहले समझिए, जब कभी बीच में O होता है उसे ईथर कहते हैं। अगर भैया दोनों तरफ सेम लगा दोगे, इधर भी CH3 लगा दो इधर भी CH3, तो इसे कहते हैं सममित ईथर। लेकिन अगर आप अलग अलग लगा दो, मान लिया इधर लगा दिया C2H5 और इधर लगा दिया CH3, तो इसे कहते हैं मेरे भाई असममित ईथर। क्या कहते हैं, असममित ईथर। ठीक भैया, जरूरी नहीं है, आप चाहो तो रिंग लगा दो, एक बीच में O होना चाहिए बस कुल मिला के। ठीक है, तो यदि ऑक्सीजन परमाणु में अलग अलग एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं तो उसे असममित ईथर कहते हैं। आखिरी में आपसे पूछा जा सकता है ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक क्या होता, तो रिएक्शन तो हमने यहां पे लिखी है, लेकिन सरल भाषा में समझिए, RMGX को हम लोग ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, RMGX को ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं, जहां पे R होगा CH3 या फिर C2H5 और X हमेशा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है भाई, तो RMGX को हम लोग कहते हैं ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक। इसकी क्रिया अगर हम लोग SCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता है और आखिरी में हमें एथेनॉल यानी C2H5OH मिल जाता है। ठीक है भाई, तो ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक अगर आपसे टिप्पणी पूछे तो ऐसे मत लिखना डायरेक्ट रिएक्शन, कैसे क्या लिखोगे, RMGX को ग्रिगनॉर्ड कहते हैं, ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं, जहां R CH3C2H5 तथा X FClBrI इनमें से कुछ होता है तथा इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। इतना आप लिख दोगे टिप्पणी में, पूरा नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये वो 16 हेडिंग्स हैं सर। ठीक है, जो बार बार पेपर में आती हैं, रिपीट होती रहती हैं, टिप्पणी के रूप में, रिएक्शंस के रूप में ये आ जाती हैं, तो इन्हें आप आराम से तैयार करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दे रखी जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल केमिस्ट्री कराई हुई है सर। ठीक है, टाइम आपके पास है क्योंकि परसों पेपर है, वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो प्रॉपर उसे देख डालो मेरे भाई। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत किसी भी टॉपिक पर केमिस्ट्री में दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, इस बात की गारंटी है। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत से पढ़ाई करिए दोस्त, आखिरी पेपर है, मिलकर मजा काटिए।